तो सर इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं विराज घोड़े के लिए जो आपने एक स्पेशल गाड़ी बनवा रखी है। मेरे को लगता है मेले में या कहीं पे भी खड़ी रहती है तो नाम से अलग पता लग जाता है कि भाई विराज इस मेले में या मंडी में आया हुआ है, क्योंकि हमको भी उसी से पता लगता है। तो मैं चाहूँगा जो हमारे देखने वाले जो लोग हैं जो हमारे चैनल को लाइक करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो सर ये भी क्या है, गाड़ियों के वीडियो भी क्या बहुत कम आते हैं और थोड़ा सा क्या ये यूनिक चीज़ है और बहुत सारे लोग आज के टाइम में बनवा भी रहे हैं, तो हो सकता है उनको कोई आइडिया मिल जाए। जी भाई जी भाई। हाँ, तो आप जरा इस गाड़ी के बारे में हमको बताएं। जी भाई, ये ऐसे है, पहले तो जैसे मेरा वैसे चल जाता था, गाड़ी टैक्सी वगैरह कर लेते थे, है ना। लेकिन अभी ऐसे हो जाता है, जब प्यार है तो चीज के लिए, है ना, बेशकीमती चीज है हमारे लिए। बिल्कुल। उसके बाद जब मैंने ट्रेलर बनवाना था ना भाई, मैंने कई प्रकार के ट्रेलर देखे थे। ओके। तो ये जो ट्रेलर था ये बुल्सन कंपनी है, अपने भाई है, भाई हरजीत राय है और गुरविंदर राय, इनका चन्नो में है, वहाँ पे चन्नी मोहाली के पास इनका वर्कशॉप है। Okay. तो ये तो बहुत बढ़िया, अभी ऐसे ये तैयार करते हैं, अभी वैनिटी तैयार करने लगे, बड़ी बसेस तैयार करने लगे घोड़े की, 10-10 घोड़ों की। Okay. ठीक है, बड़े वैनिटी घोड़ों में बेड भी होगा सब कुछ। तो मैंने उसमें से ये जो मेरे को चाहिए था मैंने ये तैयार करवाया। ठीक है, ये डबल घोड़े का सिस्टम है इसमें। ठीक है, ये गाड़ी के पीछे हुक हो गया। अच्छा, आप देखना इसका हुक का सिस्टम बहुत बढ़िया है और इसमें इन्होंने ये साथ में दे रखा, ये इसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई है। अच्छा, अंदर अच्छा। से इंडिकेटर वगैरह सारा अंदर गाड़ी में कनेक्ट हो जाता है, पंखा जैसे अंदर लड़कों के लिए। ठीक है, ऊपर लाइट्स वगैरह सारे इससे कनेक्ट कर दिया। ओके। और ये हुक हो गया, इससे बॉन्ड हो गया, ये निकलेगा नहीं, ये इम्पोर्टेड हुक है भाई, ये बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं। ओके। और जैसे ये चीज है इसमें, ये क्या इसीलिए इन्होंने लगाया, ये जब जैसे पानी लगता है या चिक्कड़ मारता है तो यहाँ पे गलेगा नहीं है, थोड़ा इसके लिए बहुत क्लीन। और लोहे का दिया है यानी कि ये, हाँ ये भाई इसमें चद्दर टाइप है। और आप देखो ये शेप है ना भाई, ये शेप आमतौर पे ट्रेलर वाले ये शेप नहीं बनवाते, चौकोर शेप रहता है ना। आप देखो जब हवा पड़ती है पुश तो पीछे को उसको पुश मिलेगा, इसमें जब हवा जाएगी तो एयर गाड़ी निकल जाएगी, गाड़ी को जोर नहीं पड़ेगा, एवरेज पे फर्क नहीं पड़ेगा और इजिली साइड से क्रॉस हो जाएगी। उसके बाद आप इसका पेंट, इसमें क्या सामान रखने का है ये भाई, इसमें आ जाता है आपका पूरा वैनिटी दे रहा है, पूरा ही सामान आ जाता है, घोड़ी का काठी सिलेंडर जो भी अपना साथ में हम जाते हैं, चुल्ला वगैरह रख लेते हैं, सब कुछ रख लेते हैं, चोकर रख लेते हैं। स्पेस भी बहुत आ गया, बहुत है, स्टपनी है, बाकी काफी सामान आ जाता है, जितना आप रख सकते हो अपने लिए, है ना, जितना हम दाना वगैरह रखना है। उसके बाद भाई आप इसकी क्वालिटी देखो भाई, इसके पेंट की 2K पेंट है बढ़िया। ठीक है, पेंट तो अलग ही दिख रहा है कि कोई शानदार, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, शानदार चीज है जो पेंट में, वो अलग ही दिख रही है भाई, क्वालिटी बोलती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि चीज की क्वालिटी का ना दिखता है, बोलने की और उसकी सेफत करने की जरूरत नहीं है। और जो इसका सस्पेंशन सिस्टम ऐसा भाई, इतना सिस्टम बढ़िया है ना कि जब जा रहे हैं पता नहीं लगता अंदर गाड़ी में घोड़े। अच्छा, यानी कि जैसे स्पीड ब्रेकर वगैरह आते होंगे तो कोई एहसास नहीं होता, एहसास नहीं होता, घोड़े को डर नहीं लगता। ठीक है, और इसमें सबसे बढ़िया अभी अंदर अगर बंदे भी होते हैं या किसी को, ये खड्डे वगैरह में बिल्कुल घोड़ा ऐसे डरेगा नहीं है, कंफर्टेबल रहेगा। अच्छा, जैसे स्पीड ब्रेकर आते होंगे तो वो कमानी लगी हुई तो उस पे सेट हो जाता होगा। और सबसे भैया इसकी पता क्या भाई, इसका जो एरोडायनामिक्स है ना, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसमें पलटने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। अच्छा, क्योंकि आप इसकी लेंथ और चौड़ाई देखोगे तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है दोनों में, बहुत सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये पलटेगा नहीं जल्दी। Okay. आमतौर पे क्या होता है, लंबा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो उसका सेंटर पॉइंट आएगा वो वजन जिधर, वो जल्दी एक साइड पे टेढ़ा हो जाता है। ओके। और अंदर से भाई आप देखो, जैसे इसके हम ये यहाँ से 2 मिनट दे दिए, एक मिनट कर लो, करना ये जिसमें 2 घोड़ों का पोर्शन बना दिया भाई। अच्छा, अलग अलग ये 2 घोड़ों का है, एक साइड इधर है, एक साइड इधर, 2 घोड़ियां आ जाती हैं। ठीक है, तो अंदर साउंड प्रूफ है भाई बिल्कुल, जब अच्छा। गाड़ी चलती है अंदर, जब बैठे होते हैं तो इसमें कोई साउंड सड़क की या अच्छा, बाहर का कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, इससे क्या घोड़ा बिल्कुल मतलब रिलैक्स रहता है। अगर नीचे से गर्ज या साउंड आती है ना, धमक भी आएगी तो घोड़ा डरता है, तो ऑब्वियसली उसको घबराहट से, आप देखो कई जानवर सफर में खींचे जाते हैं, खींचे दुबले पतले हो जाते हैं बहुत सफर में, जब ब्रेक है वो होता है, जब उसको घबराहट होती है तो उसका जैसे अंदर से घबराने से पेट का आप देखते हो खींचे जाते हैं, डर की वजह से। बिल्कुल, यहाँ पे बंदा बैठ जाता है, इनके हमारे जैसे केयर टेकर है। अच्छा, वो बैठ जाते हैं साथ में, पंखा लगा हुआ है। ठीक है, दो बंदे बैठ जाएं आराम से भाई, आराम से। ठीक है, ऊपर इन्होंने ये दे रखा है यहाँ से हवा क्रॉसिंग के लिए, जैसे हवा वेंटिलेट होती रही ताजी। ठीक है भाई, अब खुला डुल्ला भाई, अगर हम तो ऐसे है ना, कई बार गए जब दिल्ली गए थे तो हमने ये निकाल के खुद से इसमें सोते रहे साल के दिन। अच्छा, ये निकाल दिया होगा बीच का, ये निकल जाता है भाई आराम से, और हम नीचे बिस्तर लगा के इसके अंदर ही सो रहे थे।
तो जैसे जब दो घोड़े लेके जाते हो तब आप ऐसा कर लेते हो, सिंगल लेके जाते हो तो ये हटा के लेके जाते हैं भाई, उसमें कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ती उसमें, एक साइड पे फिर बाकी सामान रखा जाता है, जैसे कोई ना कुछ सामान रख लेते हैं। अच्छा अच्छा, वो सामान आ जाता है, सामान आ जाता है जैसे दाना हो गया और एक्स्ट्रा कोई रख लेते हैं। पूरी गाड़ी में एक ही घोड़ा रखोगे तो फिर उधर उधर घूमेगा, वो भी घूमने का भी, पर वो चलो वो भी सेट हो जाएगा अगर एक भी रखना है। पर दिक्कत ये है प्रदीप भाई, जितना इसमें कंफर्टेबल है ना साइड पे, ये साइड में तो घोड़े के लगेगी नहीं, घोड़े के लगेगी नहीं और घोड़ा एक जगह टिका खड़ा रहता है, ठीक है। नहीं पर ये बढ़िया है, निकल भी जाता है अगर आपने चढ़ाना, निकल भी जाता है, निकालना चाहो 5 मिनट में निकल जाता है भाई नीचे से। ओके हाँ, 5 मिनट में लड़के निकाल लेते इसको। और अभी क्या इसमें हमने ये नया एड ऑन किया था अपनी तरफ से, ये भाई इसके ऊपर ना पत्तियां लगवाई है हमने सोलर के लिए। अच्छा, सोलर वाले वो प्लेट आते हैं, दिक्कत आती है जैसे पुष्कर वगैरह या कई मंडियों में जाते हैं ना, लाइट की व्यवस्था नहीं होती। तो हमें क्या था, अगर अपना इसमें बैटरी चार्जर लगा के ना, इन्वर्टर अपना, अच्छा उससे चार्ज होती रहती होगी, अपना हुक किया पंखा हो जाएंगे दो चल जाए, ठीक है। रात को घोड़ों के लिए पंखे की अवेलेबिलिटी है, लाइट की हो जाए, तो हमने इसलिए इसमें थोड़ा स्पेशल करके ना ऊपर सोलर का प्रोजेक्ट लगवाया। अच्छा, ये बाद में लगवाया होगा आपने? हाँ नहीं, जब ये बना रहे थे हमने इसे प्रिविलेज रखवा ली थी। अच्छा, व्यवस्था रखवा दी थी यहाँ रख दो। Okay. और ये बाद में हमने इस पे फिटिंग करवाई है इसकी भी। अच्छा, बाद में करवाया, यानी एक तरीके से बोले तो आपने पूरा ये जो ट्रॉली है पूरी असेंबल करवाई है एक तरीके से। बीच में अपनी तरफ से भाई को बोल दिया ये चेंजेस कर दो, अदरवाइज ये पौड़ी ही नहीं देते, क्यों इसमें इजीली ऊपर चढ़ना, उसको प्लेट को सेट करना इजी हो जाता है उसमें, ठीक है। नहीं तो वो थोड़ा उसको सारा सेटअप बन गया है सोलर का, बाकी पीछे लाइट वगैरह सब कुछ सेटअप है ना, फर्स्ट क्लास भाई, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। पीछे जब रात को तो बहुत बढ़िया, इसका लुक भी अच्छा लगता है, जब जाता दुनिया देखती है भाई क्या चीज है ये, है ना। हाँ, मेरे को लगता है घोड़े वालों को तो पता लग जाता है घोड़ा जा रहा है, बाकी के लोगों को नहीं पता लगता होगा कि क्या जा रहा है भाई। जब जाते हैं लोग हाथ मार के रोक के पूछते हैं अभी इसमें क्या है क्या है, क्यों, ऑब्वियसली अगले की नई चीज है। और क्वालिटी देखो भाई, क्वालिटी और फिर क्या है, एक अलग ही वो लगता है। गाड़ियां तो लोगों ने बहुत देखी, पर जो घोड़े की जो अभी एंटिक एंटिक गाड़ियां आ रही है ना, वो लोगों ने, दूसरे लोगों ने नहीं देखी होगी। प्रदीप भाई आप मानोगे नहीं, डे बाय डे इतना इंप्रूवमेंट हो रहा है ना इस लाइन में। अभी जो नई उन्होंने बसेस बनाई उसमें 8 घोड़े हैं, वॉल्वो बस में तैयार किया उन्होंने। अच्छा, 8 घोड़े, 8 घोड़ों की बस बनाई है, और उसमें कितनी बसें, 5 के 6 बसें तैयार की उन्होंने, तो अच्छा। लोग पैसा लगा रहे हैं भाई, चाहे इसको जिसके पास है वो लगाता है भाई, ठीक है। बिल्कुल वो है, और मतलब क्या कहें, अपग्रेडेशन भी कह सकते हैं, अभी ऊपर कोई हो रहा है। और फिर एक ही अपने घोड़े की सुविधा भी देखी जा रही है, क्योंकि जैसे इंसान आज अपनी सुविधा देख रहा है तो वो अपने घोड़े की सुविधा देख भाई, अगर आपको आपको घोड़ा कमा के दे रहा है ना, उसका करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम अभी आप जानते हो कितने घोड़ों ब्रीडर हैं जिनको घोड़े महीनों के लाखों कमा के देते हैं, तो उनको तो भाई उसके लिए मेरे को लगता है कि BBIP सुविधा करनी चाहिए, इज्जत भी देनी चाहिए उसको, क्योंकि ठीक है उसको इज्जत भी देनी चाहिए, साथ के साथ उसके लिए जितना सहूलत हो सकता है उसको देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। तो सर अगर इसकी कीमत की बात करें तो क्या कीमत होगी लगभग इसकी? भाई फर्स्ट टाइम मैंने लिया था उस टाइम तो कुछ कम थम थी, लेकिन अभी उन्होंने इम्प्रूव किया, महंगा होने के लोग क्वालिटी भी बढ़ा दी होगी पहले से, है ना, क्वालिटी भी बढ़ी है भाई। अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल में अभी उनका पूछना पड़ेगा कि उनकी चीज है, मेरे को जितना भी 3.5-4 के बीच में होगा, 4 के 3.5-4 के, यानी कि मान को चलो 4 ऐसा बंदा कहेगा 4 से ऊपर वो कर देंगे ना, इसमें कई चीजें है ना भाई, जैसे मैंने पेंट बढ़िया करवाया कह के थोड़ा वो, यानी कि मान के चलो 50-1 लाख रुपए का ऊपर नीचे होगा, क्योंकि आपकी सुविधा के अनुसार, सुविधा किसी आप कम करवाना चाहते हो कैसे करवाना चाहते हो उनको बोल दो, वैसे हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 3.5-4 के बीच में हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे अगर आपने नहीं करवाना, ठीक है। मैंने थोड़ा अपनी तरफ से, क्यों अभी लोहा महंगा हो गया मेरे को, हो भी काफी देर गई भाई बनवाए को, आपको कितना टाइम हो गया मेरे को, अप्रोक्सीमेट भाई 7-8 महीने हो चले इसको मेरे, 7-8 महीने। तो क्या उसमें आपको चाहिए, कि अभी आपको देखना पड़ेगा ना, लोहे का रेट का फर्क पड़ता है, लेबर का पड़ता है, कोरोना में आपको पता है, हाँ कोई कोरोना में तो स्टेटमेंट दे दूं बाद में फर्क पड़ जाएगा, लगा भाई फिर बोले कि भाई वो मनप्रीत भाई ने तो बोला 4 लाख की आप तो ज्यादा की बेच रहे हो, पर ये नहीं देख रहे कि उन्होंने, तुम भाई अगर सिस्टम VIP सुविधा लोगे तो उसका पैसा देना पड़ेगा ना, पर भाई उसमें कमी पूरी हो जाती जानवर का। अभी मेरे पास सुनो भाई, हमने जाना था, ठीक है, गाड़ी साथ में पुष्कर लेके जाएंगे, 25-30 हज़ार किराया लेगी वो हमारे, बिल्कुल आराम से कहीं पे भी जाते हैं, मुक्सर जाते थे हमें 7-8 हज़ार किराया देना पड़ जाता था, ठीक है, वो महंगा पड़ता था। दूसरी बात, अपनी चीजें जहां मर्जी उतारो साइड पे ना, फिर हमने 2 गाड़ी एक अपनी भी साथ में पेट्रोल पे लेके जानी पड़ती थी, उसके अलग से खर्चा था, ठीक है, प्लस वो भी वो अपना सेव हो गया। सबसे बड़ी बात है भाई, तुम्हें सेफ्टी देखो और फिर उसके साथ स्टैंडर्ड देखो, और घोड़े की भी सेफ्टी, घोड़े की सेफ्टी देखो ना, वो सेफ्टी आ गई घोड़े की, स्टैंडर्ड भी हो रहा है आपका, नाम भी अच्छी चीज है ना। फिर घोड़ा क्या गाड़ी से उतरता है तो उसको भी एक रॉयल फील वो महसूस होता है, कई बार क्या चाहे घोड़ा अच्छा नहीं, लोग गाड़ी देखने के लिए चक्कर में घोड़ा अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ ऐसी गाड़ी में तो अगर लोग है ना, अगर वो टट्टू को भी ले जाए ना और वो भी उतरेगा तो लोग उसको मेरे को लगता है भीड़ जमा करके देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ भाई, एक ना हमने किया था ऐसे ही कवर किया था, एक जब सनी भाई ने किया था ना फीड का, एक लड़का था इधर से आई थिंक सो, उनकी ना घोड़ी अंधी घोड़ी की वो सेवा करता था,
अच्छा अच्छा, फीड स्पॉन्सर की थी सनी भाई ने, दुराहे वाले ने, तो वो जब उसका रिजल्ट देखा तो पहले मुक्सर मेले में आई थी, तो हम इस पे लेके गए थे उसको स्टैंडर्ड के लिए, जब लोग देखते थे वो इसमें लेके गए थे वहां से उसके घर से मुक्सर, तो इसमें उतारा तो उसका स्टैंडर्ड ही अलग था भाई। हाँ, वो बहुत दुबली पतली हो रखी थी जो गाड़ी से बंदी हुई थी आपकी से। लेकिन वो रेडी क्या पहले समय खत्म थी फीड के फैक्ट से, तो उसके लिए हम प्रोमो के लिए इस पे लेके गए थे फिर भाई के साथ। बिल्कुल, इसको फील आए भी। हाँ यार, फील आए तो फील से मेरे को लगता है जितनी डाउन है तो उससे और उसकी तबीयत सही हो जाए। सही हो जाए। बाकी भाई अपनी अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन है। बाकी सर ये कि अपने हिसाब से आप जैसी डिजाइन करवाना चाहते हो आपको डिजाइन करके दे देंगे, पर ये है कि जो रेट है वो 3.5 से ऊपर पड़ेगा। जैसे आप कहोगे डिजाइन वो वैसे ही बना देते हैं बस। बाकी मैंने उनकी बस देखी थी, वो भी बहुत, यानी कि बस भी अगर आदमी देखेगा ना नया आदमी तो उसको ये लगेगा पता नहीं क्या जा रहा है भाई। मैं देख के आया था बसेस, क्या बात थी उनकी, VIP वैनिटी भूल जाते स्टार की बस है ना। ओके, थैंक यू सर।